इंदौर शहर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी होने के साथ साथ धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र माना गया है। शहर में कई विद्वान, पंडित, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के ज्ञाता मौजूद हैं। विद्वान ज्योतिष पंडित श्री विजयेंद्र त्रिवेदी। पंडित जी भगवान श्री राम के अनन्य उपासक है। रामनवमी के अवसर पर पंडित त्रिवेदी जी द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कर श्री यज्ञ निशुल्क वितरित किए गए। रेड नाइन के प्रियंका पांडे से विशेष बातचीत में पंडित जी ने बताया, कुल मिला के स्वांते ही सुखाए मेरा अपना खुद का कार्यक्रम है। कुछ एक धार्मिक आयोजन में बैठने में मेरे गुरु हैं कमल किशोर जी नागर, उनकी राम कथा सुनने में कुछ राम भगवान के प्रति एक विशेष भाव पैदा हुआ। वो भाव पैदा हुआ तो वो उसमें रमता चला गया। फिर रामचरितमानस का, राम जी से संबंधित जितने भी ग्रंथ पुराण हैं उनका अध्ययन किया, तो जो राममय जीवन हो गया। और ये कार्यक्रम मेरा अकेले का था, घर में सिर्फ मैं अकेला पूजा करता था, फिर परिवार के लोग, फिर पड़ोस, और ऐसी राम जी की कृपा होती चली गई कि आज 11 बजे से रात को 12 भी बज जाती है। लगातार लोगों का सतत प्रेम यहाँ बरसता है और खूब आनंद होता है बस। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम मेरा स्वांते ही सुखाय है। मैं विगत 15 वर्षों से तो ये एक स्वरूप ले चुका था, उसके 4-5 साल पहले से मैं अकेला राम जी के साथ बैठ करके रामनवमी। अच्छा, मेरे जीवन में सिर्फ एक ही त्यौहार है, वो सिर्फ रामनवमी। श्री यंत्र, अब जो भी प्रेम रखने वाले या राम जी के प्रति हैं, तो एक ऐसा शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि गुरु की गादी वो होती है जहाँ से कुछ दिया जाए लिया न जाए। तो अब यदि मैं दूं तो क्या दूं, मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। तो कुछ यंत्रों का शास्त्रों में ऐसा एक विधान है कि कुछ सिद्ध यंत्र होते हैं और अनेक स्थानों पर जाकर के श्री यंत्र हैं तो वहां संपन्नता आती है। कोई बगलामुखी माँ है तो शत्रु विनाशक, और शत्रु विनाशक से मतलब सिर्फ जो बुद्धि के शत्रु है उनका, फिर वास्तु दोष, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो वो है मैं अपने साधनों से जैसे भी लाता हूँ और सब लोगों को एक उपहार के स्वरूप जो आए हैं उनको कुछ तो देना है उस हिसाब से। गुरुजी, रामनवमी के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राम जी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि राम जी ने जो जन्म लिया है वह भगवान विष्णु, वो चाहते तो सारी सृष्टि को वैसे ही ठीक कर सकते थे, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके वो इसलिए आए कि किस प्रकार से जीवन को जिया जाए। जीवन को जीने की कला भगवान राम से ही मिलती है। किस प्रकार से लोगों की सेवा के लिए अपने घर से निकल जाना, माता पिता के वचन को निभाने के लिए वन को प्रस्थान कर जाना, एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम जी सर्वस्व जीवन त्यागमयी, और जिसके जीवन में त्याग है वहाँ बहुत शांति है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग बहुत प्रेम भाव से रहें, स्नेह से रहें और शांति सब दूर सर्वत्र बनी रहे, भाईचारा सब दूर बना रहे, बस यही।